Hello. Good morning. I am Uma Subramanian from Chennai. मैं आज अमूल के पेज में लाइव करने आई हूँ. मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और थैंक यू टू अभिषेक एंड निशान टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. सो अभी सब आ गए हैं क्या? मैं स्टार्ट करूँ क्या? आप थम्स अप दे दीजिए, मैं स्टार्ट करूंगी. कुछ लोग जुड़ रहे हैं क्या? स्टार्ट. ओके. आज मैं रिच मखाना खीर, जो व्रत में भी खाया जा सकता है, तो वही बनाने वाली हूँ. उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लेते हैं. मखाना खीर है तो मखाना तो चाहिए ही. तो मखाना को मैं थोड़ा सा घी में भून के रखी हूँ और कुछ मखाना को मैं पाउडर करके रखी हूँ. और रिच होने के कारण मैं आलमंड और कैश्यू को ड्राई रोस्ट कर उसको भी पाउडर करके रखी हूँ. और ये जो ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता, रेजिन्स और कैश्यू, ये सबको थोड़ा नट्स को चॉप करके रखी हूँ फॉर डेकोरेशन. और इलायची पाउडर और मिल्क और हम यूज करने वाले हैं. टैप चाहिए, जस्ट आस्क, क्लियर आना चाहिए. अभी क्लियर है क्या? मैं इसमें आधा क्लियर आना चाहिए. अभी क्लियर है? इसको एक खोलने देंगे और खोल कर ये थोड़ा, मतलब जब खोलेगा तब उसमें वो मखाना जो पाउडर करके डाल रखी हूँ ना, तो उसको डालूंगी. और उसके बाद कुछ देर उसको उबलने देंगे ताकि थोड़ा पक जाएगा. उसके बाद मखाना और जो ड्राई फ्रूट्स है उसको जो पाउडर करके रखी हूँ उसको डालूंगी. और वो जब गाढ़ा हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग मिठाई में डालेंगे. तो हमारा खीर ये बहुत झटपट भी तैयार हो जाएगा. मिठाई में रहने से कोई भी खीर जल्दी ही बन जाता है, क्योंकि अगर चावल का भी खीर पकाना है तो दूध में हम लोग चावल पका देंगे, बस उसके बाद मिठाई में डाल देने से खीर बहुत बढ़िया और रिच बन जाता है. नाइस टू सी यू उमा जी. ईशा, थैंक यू. ईशा, रेसिपी नेम इज रिच मखाना खीर. रिंकू, हेलो. हेलो. इसको खोलने दीजिए. मखाना जो है बहुत ही, मतलब, अच्छा है हेल्थ के लिए. इसमें कैल्शियम सब बहुत है. तो बच्चों को भी अगर हम लोग रोज सवेरे, मतलब, दो मखाना और दो वालनट खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है. उन लोग का बोन वोन सब बहुत स्ट्रांग होता है. और वेट रिडक्शन करने वाले भी मखाना खा सकते हैं, उसके लिए वेट रिडक्शन भी होता है. तो मखाना ऑन द होल इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस एंड वेरी हेल्दी. रिंकू, हेलो. राधा, हाय. मेहर, हेलो. आशा, रमेश, यू आर द बेस्ट. थैंक यू आशा, थैंक यू राधा, थैंक यू रिंकू. देखिए खोलने वाला है दूध. जैसे ही खोलेगा तो उसको, जो, मतलब, साबुत मखाना रखी हूँ ना, उसको मैं डाल दूंगी. Your all recipes are always awesome. Thank you, Isha. मैं हरदम, मतलब, इकोनॉमिकल रेसिपी बनाती हूँ. ज्यादा तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल रहना चाहिए, जल्दी घर में जो चीज रहता है उससे बनना चाहिए. अब देखिए मखाना को मैं डाल देती हूँ. तो ये थोड़ा पकने दीजिए, थोड़ा उबलेगा. उसके बाद जो पाउडर करके रखी हूँ ना, आलमंड और कैश्यू और ये जो आपको मखाना, उसको भी, मतलब, हम लोग डाल देंगे. सो है अनिल, नमस्ते अम्मा. अनिल, नमस्ते अम्मा.
नमस्ते बेटा। प्रज्ञा हेलो। हेलो हेलो उषा। हेलो प्रज्ञा। एक काम करते हैं हम लोग, अब जो नेक्स्ट रेसिपी है उसको, इसको मैं उस तरफ में रख देती हूँ, और अब नेक्स्ट जो साबूदाना का उपमा बनाना है उसको भी यहाँ इस तरफ बनाने लग जाती हूँ। इसको थोड़ा धीमा आंच में रख देती हूँ, ये अपना खोलते रहेगा। और ये कढ़ाई अभी इसको रख के इसमें अब उपमा बनाना चालू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स, हाँ उपमा के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए बताती हूँ। साबूदाना को मैं 4-5 घंटा फुला के रखी हूँ, और आलू को बारीक काट के रखी हूँ, और मूंगफली को, रोस्टेड मूंगफली को पाउडर कर क्रश करके रखी हूँ, हरी मिर्च काट के रखी हूँ, मटर छील के रखी हूँ, और प्याज बारीक काट के रखी हूँ। और इसमें मतलब नॉर्मली पनीर नहीं डलता है, मैं आज इसमें पनीर भी डालने वाली हूँ। नॉर्मली तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो मैं सोची क्यों ना आज पनीर डाला जाए। इसमें पहले तेल डालती हूँ। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन ईशा, थैंक यू ईशा। रसिया वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। अब तेल गरम हो जा रहा है तो उसमें हम आधा चम्मच सरसों डाल देती हूँ। सरसों को क्रैक होने दीजिए। नाइस ट्विस्ट आशा। अब देखिए मखाना भी फूलते मतलब खोलते जा रहा है। ओके रिता, यू रोस्ट द मखाना विच यू मेड पाउडर? यस, रोस्ट करके ही पाउडर की हूँ। और अभी जो पाउडर किया हुआ जो है ना मखाना, और ये जो रोस्टेड मखाना का पाउडर, उसको इसमें डाल देती हूँ। और इसमें ये जो बादाम और कैश्यू को पाउडर करके रखी हूँ उसको भी मतलब डाल देती हूँ। अब ये मतलब रिच है तो डालना तो जरूरी है। अब इसमें सरसों फूट गया है, इसमें चना दाल थोड़ा डाल देते हैं। राजकुमारी राव, सो गुड मैम, रसिया सुपर, अश्विनी नेवर हियर अबाउट साबूदाना उपमा दिया एक बार। नहीं, साबूदाना उपमा अगर खिला रहेगा तो उपमा, और अगर आपको थोड़ा सटा सटा हुआ स्टिकी रहेगा तो आपका हो गया खिचड़ी। और देखिए ये मतलब थोड़ा लाल हो गया तो मैं हरी मिर्च डाल दे रही हूँ, और ये प्याज डाल देती हूँ। और करी लीव्स डाल रही हूँ, तो थोड़ा मतलब हल्का से सुनहरा रंग हो जाएगा ना, तब उसके बाद उसमें मटर डाल दूंगी। ट्रांसपेरेंट हो रहा है ये अभी थोड़ा, तो इसमें थोड़ा मटर डाल देती हूँ। आप कितने प्यार से एक्सप्लेन करती हो ईशा। थैंक यू थैंक यू, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। और अब इसमें जो आलू है, आलू डाल देती हूँ। बीच बीच में इसको भी देखते जाएंगे, नहीं तो फिर दूध है अगर नीचे लग जाएगा तो फिर खीर का सत्यानाश हो जाएगा, फिर तो मैच ऐसा हो जाएगा कि हम लोग खा नहीं सकेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ, मैं साबूदाना में तो नमक डाली हूँ,
इसीलिए इसमें थोड़ा सा इसके लायक नमक डाल देते हैं। इसको थोड़ा बंद करके रख देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। ये देखिए ये खोल रहा, देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। ये पाउडर करके बनाने से ना इसका ये जो मखाना वाला खीर है लगेगा आपको मतलब रबड़ी जैसे बन जाता है। ओके, पोटैटो बॉइल्ड है और क्या कच्चा? नहीं कच्चा है, एकदम बारीक मतलब महीन महीन पतला पतला काटे हूँ ताकि वो फ्राई करने से वो पक जाए। हाउ लॉन्ग डिड यू सोक द साबुदाना आशा? हम मतलब 5-6 घंटा, 5 to 6 hours। आप इवन अगर आपका मॉर्निंग में बनाना है तो नाइट में भी आप फुला के रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छा फूल जाएगा। और उसमें जरा भी देखिए मतलब हम दिखाते हैं साबुदाना को, देखिए कैसा है, एकदम हल्का, नो स्टिकी, मतलब हल्का एकदम खिला खिला है। तो आपको उसके बाद देखिए दबा के देखने से एकदम फर्स्ट क्लास दब जा रहा है, तो ऐसा रहेगा अगर ज्यादा देर आप फुलाएंगे तो। नहीं है तो मतलब अगर पानी भी आपको मतलब साबुदाना को एक दो बार धो के एकदम बड़ा लेवल्ड में आप पानी रखना है, ज्यादा रखने से वो मतलब स्टिकी आ जाएगा। ये उपमा भी आपको जल्दी ही बन जाएगा, मतलब ये जो आलू है ये ही गलना है बस, उसी की देरी है कि उपमा फटाफट बन जाएगा। ऑफ किया? नहीं अभी ऑफ नहीं किए हैं, करीब करीब बन ही गया है। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, बढ़िया, इतना गाढ़ा हो गया है, ये अभी रखे रखे और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। अब इसको थोड़ा देर होने दीजिए, थोड़ा ठंडा होने के बाद वो जो मिठाई मेट है उसको मिला दूंगी। अभी देखिए इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डाल देती हूँ। खुशबू इतना अच्छा आ रहा है, मैं इतने के लिए मतलब एक मतलब आधा टिन मिठाई में डाल दे रही हूँ। देखिए बस फर्स्ट क्लास बन गया हमारा मखाना का रिच खीर। इसको मैं अब यहाँ रख देती हूँ, इसके बाद प्लेटिंग करेंगे। ओके, डिड यू रोस्ट साबुदाना बिफोर सोकिंग? नो 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 नो, साबुदाना को रोस्ट नहीं करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर का आलू हो गया है, मतलब आलू भी पक गया है, फर्स्ट क्लास पक गया। अब इसमें हम लोग ये जो मूंगफली पाउडर करके रखी हूँ ना, तो ये 3-4 चम्मच डालें, जितना आप मूंगफली डालिएगा। एक्चुअली 1 कप अगर साबुदाना लिए हैं तो आप 1 कप मूंगफली को पाउडर करके डालिए तो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि तभी वो खिला खिला रहेगा,
नहीं है तो उस टिक्की टिक हो जाएगा। अभी अभी हम लोग पनीर भी डाल देते हैं। आप पनीर को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, मैं बिना रोस्ट किए ही डाली हूँ। प्रतिभा जैन हेलो। हेलो प्रतिभा। साबुदाना उपमा न्यू एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी। देखिए अभी एकदम फर्स्ट क्लास बन गया है। अब इसको दो मिनट हम अगर बंद करके रखेंगे ना तो एकदम तैयार हो जाएगा। ये आप व्रत में भी खा सकते हैं। इसको दो मिनट बंद करके रखते हैं तब तक ये तैयार हो जाएगा। देखिए बीच बीच में मखाना जो है पूरा डाली हुई ना तो बीच बीच में मुंह में आएगा, अच्छा लगेगा। और ऐसे तो गाढ़ा हो ही गया है। फटाफट बोथ डिशेस रेडी आशा करें। यस, पहले से अगर हम लोग तैयारी करके रखेंगे तो फिर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर थोड़ा नट्स डाल देती हूँ। हेलो उमा आंटी, ईरा जी। हेलो ईरा। ललिता हाय। हाय। देखिए अब हमारा जो मखाना खीर है तैयार हो गया है। उपमा भी ऑलमोस्ट देखिए तैयार हो गया। देखिए कितना खिला खिला है। वही मतलब ये अगर साबूदाना हमारा ठीक से फुला रहेगा, वो खिला खिला रहेगा, तब हमारा उपमा भी खिला खिला रहेगा। अदरवाइज वो खिचड़ी बन जाएगा। साबूदाना उपमा इज एग्जैक्टली सेम लाइक साबूदाना खिचड़ी। यस, मैं वही मैं बोली ना, थोड़ा स्टिक्की नहीं रहेगा। बस इसमें थोड़ा मतलब वो पानी कम रहने से, और आप मूंगफली का पाउडर ज्यादा डाल देंगे तो देखिए एकदम खिला खिला रहेगा। और वही बनने में तो टाइम नहीं लगता है, जो हम लोग सब्जी उब्जी डालते हैं उसी में जो टाइम लगता है लगता है। मैं आती हूँ। मधु खीर इज वेरी यम्मी। खीर इज वेरी यम्मी। थैंक यू। लुकिंग वेरी यम्मी। नो यस, रिंकू ब्यूटीफुल। रिंकू ब्यूटीफुल। अब हमारा उपमा तो तैयार हो ही गया है। अब इसको कलरफुल बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा गाजर घिस के गाजर भी थोड़ा डाल देती हूँ तो रंगीन बन जाएगा। और थोड़ा धनिया पत्ती भी डाल देती हूँ।
delicious and healthy, Isha. Yes. Yummy, Geeta Srinivasa. Kalpana beautiful. Kalpana yummy. Thanks to all of you. पर आप लोग सब आंख से ही खा सकते हैं. जो मेरे घर के पास में रहते हैं वो लोग बेशक आ सकते हैं, मैं गरम गरम खिला दूंगी. देखिए एकदम फर्स्ट क्लास बन गया हमारा साबूदाना का उपमा. अब इसको मैं प्लेटिंग करती हूँ. Can you please give me the recap of the kheer? Okay. Wait, इसको थोड़ा मैं रख लेती हूँ, उसके बाद आपको बता देती हूँ. थोड़ा यहाँ साफ कर देती हूँ. लव योर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आशा ईशा. ओके थैंक यू थैंक यू. ये हो गया हमारा साबूदाना उपमा तैयार. और उसके बाद ये जो है मखाना का खीर. ये मखाना खीर आप मतलब कोई पूछ रहे थे तो एक कप मखाना लीजिए, उसको फुल थोड़ा सा घी देके उसको रोस्ट कीजिए. देन हाफ को पाउडर कर लीजिए, हाफ को वैसे ही साबुत रख लीजिए. और उसके बाद मतलब एक कप लिए हैं तो आधा कप के करीब आलमंड और कैश्यू का पाउडर, उसको आप जस्ट ड्राई रोस्ट कीजिए. ज्यादा रोस्ट मत कीजिए जस्ट, क्योंकि पाउडर करने के लिए थोड़ा रोस्ट करने से बढ़िया पाउडर हो जाएगा. उसको पाउडर करके उसको भी रख लीजिए. अब आधा लीटर दूध लीजिए, उसको बॉईल करिए. बॉईल करने के बॉईल जब होगा तब वो जो साबुत मखाना डाले रखे ना उसको पहले डालिए. उसको डाल के कुछ देर उबालिए, फिर उसके बाद उसमें जो पाउडर करके रखे हैं मखाना पाउडर एंड आलमंड कैश्यू पाउडर उसको डालिए. थोड़ा देर उसको खोलने दीजिए, देखिएगा कि आप थोड़ा टाइट हो गया है. तो उसके बाद उसको आप बंद कर दीजिए. उसमें इलायची पाउडर डालिए, मिठाई मेट आधा टिन डालिए, मिक्स करिए और नट्स से सजा दीजिए. आपका खीर तैयार है. आप व्रत में भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, जब भी खा सकते हैं, बिकॉज मखाना इज वेरी हेल्दी. बच्चे लोग भी पसंद करेंगे, बड़े लोग भी पसंद करेंगे, इवन ओल्ड एज में जिसको दांत नहीं है वो भी खा सकते हैं. क्योंकि हाँ, नट्स खाली उन लोगों को डालने के टाइम में आप मतलब ऊपर से नट्स मत डालिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नट्स को पाउडर करके डाल चुके हैं, इसलिए ये वो बहुत बढ़िया रहेगा. और हमारा ये साबूदाना उपमा भी, जैसे साबूदाना को आप मैं 5-6 घंटा फुलाई हूँ, उसके लिए मतलब एक आलू को बारीक बारीक काटी हूँ और एक प्याज बारीक काटी हूँ, दो एक हरी मिर्च उसको भी बारीक काटी हूँ, और पनीर 50 ग्राम के आसपास पनीर ली हूँ, उसको भी क्यूब के इसमें काट ली हूँ, गाजर घिस के रखी. अब आपको
तेल, 2 चम्मच तेल डालिए, सरसों और चना दाल डालिए। वो जब सरसों क्रैकल हो जाएगा उसके बाद उसमें हरी मिर्च, करिया पत्ता डालिए, देन प्याज। उसके बाद प्याज को थोड़ा सौते करने के बाद मटर डाली हूँ, मटर को भी सौते करने के बाद आलू डाल दिए। आलू डाल के दो थोड़ा चला के उसमें थोड़ा सा नमक दे दीजिए ताकि वो जल्दी से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जब थोड़ा वो लाल लाल हो जाता है उसमें ये जो पीनट पाउडर, जो मूंगफली का रोस्टेड मूंगफली का पाउडर करके रखी हूँ वो डाल दीजिएगा। वही मतलब खिला खिला बनने के लिए आप जितना साबूदाना लेते हैं उतना ही आप अगर मूंगफली लेंगे ना तो बहुत खिला खिला बनेगा। मूंगफली डाल दीजिए, उसको अच्छा से मिला के उसमें पनीर भी डाल दिए, पनीर आप चाहिए तो फ्राई करके डाल सकते हैं, नो इश्यू। उसके बाद उसमें साबूदाना मिला के अच्छे तरह मिला दीजिए। नमक तो ऑलरेडी हम लोग आलू में डाले थे और साबूदाना जब फुलाते हैं ना उसी में थोड़ा सा नमक दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, उसमें भी नमक चला जाएगा। तो मिला के 2-3 बार चलाने से ही आपका उपमा तैयार हो जाता है। ऐसे मैं प्रेजेंट की हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों रेसिपी पसंद आया होगा। आप लोग एंजॉय कीजिए और आप लोग भी बना कर देखिए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। थैंक यू अमूल एंड थैंक यू ऑल द ऑडियंस। थैंक यू ईशान सर, थैंक यू अभिषेक।